और चलिए सीधे रुख करते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वो हिंदू धर्म के स्तंभ है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था। उत्तर में आपका जोशी मठ में, फिर पूर्व में आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं, जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और यह भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है, यह देश का नहीं दिख रहा है, ना यह हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में, तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज्य में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए जाते हैं। अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूं यहां पर, भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कुछ जो वक्तव्य भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे सुन लीजिए तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदाय में बांटने का काम अब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि शंकराचार्य नहीं जा रहे इसलिए हम भी नहीं जा रहे। ABP News आपको रखे आगे।